Hello, my dear friends. A very good morning to all of you. Welcome to Online Ventures by Example. मैं हूं जुबैर हिसानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, वो है किंगडम मोनेरा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से हम लोगों ने शुरुआत की थी और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो पहला किंगडम था वो मोनेरा था। तो मोनेरा को आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो लाइव आ जाएं सारे लोग और सेशन को लाइक और शेयर कर दें। जो लोग नए जुड़े हमारे चैनल से, जिनका आज पहला दिन है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली तमाम क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप तक बिना किसी देर के पहुंचती रहे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि इस बीच हमारे साथ प्रशांत सिंह जुड़ चुके हैं। जय हिंद प्रशांत। अंबिका, अभिजीत साहब हमारे साथ हैं, हर्षित सक्सेना जुड़ चुके हैं, रवि गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर का मौसम काफी खूबसूरत, बहुत तेज बारिश और आसमान में बहुत ज्यादा बादल और बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ, तो बहुत ही अच्छा मौसम है। आज सुबह काफी अच्छी हो चुकी है, तो इस सुबह को और खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, यानी मोनेरा जगत। तेज कुमार हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं, नीलेश कुमार हमारे साथ हैं, रवि गुप्ता साहब भी जुड़ चुके हैं। तो एक बार तमाम ग्रुप्स में अपने तमाम दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि हम लोग वही डिस्कस करते हैं, हम लोग वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। अनाप शनाप बातें नहीं करते बिल्कुल, है ना। तो जिन लोगों को सिलेक्शन लेना है वो जरूर हमारे साथ जुड़े और हमारे क्लासेस का फायदा उठाएं आप लोग, ठीक है जी। ये जो तकनीक आ गई है, पहले तो हम लोगों की सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, अब ये तकनीक आ गई है कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से जुड़ने का मौका मिला है, तो इसका फायदा आप लोगों को जरूर उठाना चाहिए। राजश्री मुनि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच पांडे जी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आगाज किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा में मैंने कहा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, याद होगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, पांच जगत वर्गीकरण दिया था किसने, विटेकर ने, और उसने संपूर्ण सजीव जगत को फाइव किंगडम में डिवाइड किया था। पहला किंगडम था आपका मोनेरा, दूसरा किंगडम था आपका प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम था आपका, बता दो, अब तो याद हो गया होगा, हर बार बताता रहा हूं मैं, फंजाई, कवक जगत, एंड फोर्थ वन इज योर एनिमलिया किंगडम, एनिमलिया एंड प्लांटी किंगडम, प्लांटी है ना, पादप जगत। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आज मोनेरा पढ़ते हैं। मोनेरा में ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जो यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं, और सेल का टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। सेल का टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। अब आपको मैंने ये भी पढ़ा रखा है, ये बताने की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं, जो हमारे साथ नए जुड़े होंगे उनको शायद परेशानी हो सकती है। सेल दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ये देखो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर आपका डीएनए मौजूद है, तो ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, ना यूकैरियोटिक कोशिका। यू मतलब होता है डेवलप्ड, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, सेल का मतलब होता है सेल, यानी ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड है, मतलब डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है, साइटोप्लाज्म के टच में नहीं है, साइटोप्लाज्म के टच में नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल हायर ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेगा, जैसे मैं हायर ऑर्गेनिज्म हो गया ह्यूमन, हम लोग
उच्च स्तरीय जंतुओं में आते हैं तो हमारा सेल भी डेवलप्ड होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो सेल था वो था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है। क्या है जी, ध्यान से सुनना, कोशिका द्रव है और डीएनए बेचारा ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। तो इस डीएनए को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस ना बोलकर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। और इस सेल को हम कहेंगे प्रो कैरियोटिक सेल। प्रो मतलब प्राइमरी, प्रारंभिक, प्राथमिक, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, सेल का मतलब सेल, यानी ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस अभी प्रारंभिक अवस्था में है, किसी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ नहीं है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में बेचारा पड़ा हुआ है। ओके, सो किंगडम मोनेरा में ऐसे ही जीवों को रखा गया है कि एक तो यूनिसेलुलर हो और सेल का टाइप कैसा हो, प्रोकैरियोटिक हो। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इसके उदाहरण में आ जाएंगे आपका बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा से कौन कौन बिलोंग करेगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए भाई किंगडम मोनेरा से बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया बिलोंग करेंगे। अब हमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिटेल से बात करनी है, जहां से क्वेश्चंस हुआ करते हैं। अस्मिता चौधरी पूछ रही हैं कि हाय, किसी का यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम है क्या, बता दीजिए भाई। एके वर्मा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आरजू फातिमा हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, आकाश दुबे हैं, अजय यादव हैं और संस्कृति कुछ उत्तराखंड हैं, अरज भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अनु शर्मा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी क्लास की शुरुआत ही हुई है, जो लोग लेट से जुड़े हैं वो घबराइए नहीं। सो किंगडम मोनेरा में ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जो एक कोशिकीय हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। ये तो फंडा क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल याद रखना बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को हिंदी में हम जीवाणु कहते हैं, और अगर बोला जाए कि किस जगत से बिलोंग करता है बैक्टीरिया, तो आप तो बोल दोगे ना कि ये मोनेरा जगत का सदस्य है। अगर मैं बैक्टीरिया स्टार्ट कर दूं ऐसे पढ़ाना कि भाई बैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो आप कहोगे कि सर ये तो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। अगर मैं बोलूं कि कोशिका का प्रकार कैसा होता है बैक्टीरिया में, कोशिका का प्रकार, सेल टाइप कैसा होगा, तो आप कहोगे कि मतलब ये क्या क्वेश्चन कर दिया आपने सर, अगर किंगडम मोनेरा से बिलोंग कर रहा है बैक्टीरिया, तो जाहिर सी बात है कि किंगडम मोनेरा में ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जो एक कोशिकीय हैं और प्रोकैरियोटिक हैं, है ना। तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगल सेल का है और सेल का टाइप कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक। और इसकी खोज किसने की थी, तो लीवेनहॉक साहब ने की थी। देखिए इसकी जुल्फे देखिए, बहुत ही जबरदस्त जुल्फे हैं इनकी, काफी घुंघराले बाल हैं और काफी हसीन चेहरा है इनका। लीवेनहॉक साहब हैंगे जिन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी, है ना। तो काफी हसीन जुल्फे हैं इनकी और मुझे लगता है कि कुछ अच्छे तेल का इस्तेमाल करते होंगे ये। हम लोगों की जुल्फे काफी जो है, देखिए अब तो दिल्ली में आप जानते ही हैं कि मतलब पानी कितना खराब है, तो जुल्फे गिर जाती हैं, है ना। उस जुल्फ के क्या कहने, जो दोष पे लहराई, दोष मतलब कांधा, उस जुल्फ के क्या कहने, जो दोष पे लहराई, सिमटी तो बनी नागन, बिखरी तो घटा छाई, है ना। सिमटी तो बनी नागन, बिखरी तो घटा छाई। तो आज जुल्फे बिखर गई हैं और घटा छा गई है आसमान में। और अभी तो गाने पता नहीं कैसे आते हैं, यार हंस रहा है तो बारिश हो रही है, मतलब ये वाहियात शायरी अभी आजकल की, है ना। तो मैं वैसी शायरियाँ नहीं करता, सड़क छाप अच्छी शायरियाँ करता हूँ मैं, है ना। और बरसात पे तो आपको सुनाया ही था कि ऐ अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके, जब आ जाए तो जम के बरस, इतना बरस के वो जा ना सके, है ना। तो डिस्कवरी किसने की थी, लीवेनहॉक साहब ने की थी। अरे आज बहुत अच्छा मौसम है अस्मिता चौधरी, ये मतलब दिल्ली में अभी देखिए ये सारा रूम बंद है, फिर भी बरसात की जो आवाज़ है
बारिश की जो आवाज़ है वो हमारे कानों तक आ रही है, बहुत ही मज़ेदार, और लग रहा है कि अब क्लास छोड़ देना चाहिए। अच्छा, संरचना पे बात हम लोग करते हैं। हाँ, संरचना पे बात करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल होने का ये मतलब नहीं है कि इसको हम प्लांट किंगडम में रख देंगे, नहीं, प्लांट किंगडम में नहीं रखेंगे। तो बैक्टीरिया में होता है आपका सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल, ये अलग किंगडम में रखा गया। कोशिका भित्ति होती है इसमें, जैसा कि पौधों में होता है। लेकिन इसकी कोशिका भित्ति और पौधों की कोशिका भित्ति में क्या अंतर है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सेल वॉल होगा, सेल वॉल के नीचे होता है सीएम और पीएम। दिस इज सीएम और पीएम, यानी आप बोल सकते हो कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है, कोशिका झिल्ली होगी, और ये कोशिका द्रव होगा। अब सेल है तो साइटोप्लाज्म नहीं होगा, क्या होगा ना, तो यह है आपका साइटोप्लाज्म। कोशिका पढ़ाया है मैंने, तो ये भी तो सेल ही है ना, तो ये कोशिका द्रव होगा। साइटोस मतलब क्या होता है? सेल, और प्लाज्मा मतलब क्या होता है? लिक्विड। सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये जो सीएम और पीएम है, ध्यान से देखना, ये जो सीएम और पीएम है सेल वॉल के नीचे, सीएम और पीएम जो है ना वो इस तरह से इनवेजिनेट होकर, है ना, मुड़कर जगह जगह पे इनफोल्डिंग्स हो जाती है, इस तरह से मुड़कर इस तरह की रचनाएं बनाती हैं, और इन रचनाओं को हम कहते हैं मीजोजोम। ये जो रचना मैंने आपको दिखाई है, दिस इज नोन एज मीजोजोम। हिंदी में भी मीजोजोम लिखेंगे। तो ये मीजोजोम इनफोल्डिंग्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं। सीएम का मतलब आपको पता ही है, सेल मेम्ब्रेन। सीएम का मतलब क्या होता है गाइस? सेल मेम्ब्रेन। और पीएम का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका डीएनए की बात आती है कि जब सेल होगा तो डीएनए होगा। इसका जो डीएनए है ना, इसका जो डीएनए है वो इस तरह से साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। तो ये इसका एक सर्कुलर डीएनए होता है, दिस इज द डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए। डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए। और ये डीएनए डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। सो इसे न्यूक्लियस ना बोलकर हम लोग न्यूक्लोइड कहेंगे, एंड दिस इज द मेन डीएनए, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी मेन डीएनए होगा। तो बैक्टीरिया के अंदर जो मेन डीएनए होता है, जो एक्चुअली बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे हम न्यूक्लोइड कहते हैं, न्यूक्लियस ना बोलकर न्यूक्लोइड कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, एक्स्ट्रा डीएनए। और इसका नाम बता दो, जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा डीएनए, या आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्रोमोसोमल डीएनए है, यही क्रोमोसोम बनाएगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डीएनए है उसे हम प्लाज्मिड कहेंगे, और यही प्लाज्मिड जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं कि सेल मेम्ब्रेन की, सॉरी, सेल ऑर्गेनेल्स की, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स मैंने पढ़ाए हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, साइटोलॉजी जाके आप देखिएगा चैप्टर। तो सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका में पाए जाने वाले, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले छोटे छोटे अंगों को हम कोशिकांग कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल की हम बात करेंगे, तो सेल ऑर्गेनेल तीन तरह के हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि आपका प्लास्टिड्स हो गया,
ये सब के सब डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो डबल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स की बात करेंगे तो डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, जैसे लाइसोसोम, जैसे गॉल्गी बॉडी, जैसे के वैक्यूल, जैसे के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो किसी भी मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते, जैसे कि आपका राइबोसोम, जैसे कि आपका सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, इसका मतलब राइबोसोम पाया जाएगा। राइबोसोम किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, इसका मतलब कि इसमें पाया जाएगा आपका राइबोसोम। और राइबोसोम में भी कैसा वाला, 70S या 80S, तो 70S राइबोसोम पाया जाएगा। कोशिका की अगर बात करें सेल ऑर्गेनेल की, तो एक ही सेल ऑर्गेनेल पाया जाएगा, राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है। मैंने पढ़ा रखा है कि राइबोसोम दो तरह का, 70S और 80S। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम पाया जाएगा, यानी बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम पाया जाएगा, और कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये एक जीवाणु की संरचना है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेहर, ऑनलाइन बेंचर्स एप्लीकेशन में क्लास ओपन नहीं हो रहा है, इंटरनेट एरर शो रहा है। अच्छा, देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो हमारी टेक्निकल टीम बता सकती है। 70S और यूकैरियोटिक में 80S। दुर्गा श्री, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है। अरे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, साइंस में अब दिक्कत नहीं आने वाली, खास करके कोई भी सेगमेंट हो साइंस का, ना तो केमिस्ट्री में ना तो फिजिक्स में, फिजिक्स तो इससे ईजी होता है। अब देखो, प्लाज्मिड की जहाँ तक बात की जाती है, तो प्लाज्मिड का इस्तेमाल जो है हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, इसी का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैव प्रौद्योगिकी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव प्रौद्योगिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड का, प्लास्टिड्स का। तो उत्तर क्या था, प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स को, बैक्टीरिया को देख लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया में मेन जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, सेंट्रल सर्कुलर डीएनए। तो ये जो मेन डीएनए था, मेन डीएनए जो था वही कहलाता है क्या, आपका न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा डीएनए है, उसको हम बोल रहे थे प्लाज्मिड। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सीएम है, प्रोटीन और लिपिड का बना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सेल वॉल है, प्लांट का जो सेल वॉल है वो बना होता है किसका, सेलुलोज का। फंगस का सेल वॉल बना होता है काइटिन का, लेकिन जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, दो अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, और दो अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इस तरह से प्रोटीन क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया। और शुगर, ग्लाइकॉन मतलब शुगर, तो यानी प्रोटीन और शुगर होते हैं इसके सेल वॉल में। तो याद रखिएगा कि प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, याद रखने वाली बात। और जो फंगस होता है, फंजाई होता है, उसका सेल वॉल काइटिन का, और जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल पेप्टिडो
ग्लाइकन का बना होता है। फिर मैंने बोला था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जगह जगह पर क्या होती है, धंस कर, इनफोल्ड होकर बनाती है कुछ रचना, और उसी रचना को हम लोग कहते हैं क्या, इसी रचना का नाम है मीजोजोम। ये है आपका मीजोजोम, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है। अब देखो इसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होता तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा, ये रेस्पिरेशन यहीं पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बदले काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट फंक्शन करता है ये। तो मीजोजोम का काम होता है श्वसन की क्रिया करना, तो जो जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया होती है वो मीजोजोम करता है। मीजोजोम मतलब आप कह लो कि ये डीएनए का, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का इक्विवेलेंट फंक्शन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का इक्विवेलेंट फंक्शन करता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और इसका इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके शरीर में बनने वाला कोई केमिकल है, कोई एंजाइम है, कोई हार्मोन है, उसको शरीर के बाहर बना लेना, ये कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि हमें इंसुलिन हार्मोन बनाना है, आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। तो हमें लेना पड़ता है इंजेक्शन के माध्यम से सिंथेटिक इंसुलिन, संश्लेषित इंसुलिन। जो मार्केट से आप सिंथेटिक इंसुलिन खरीदते हैं वो दरअसल जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया से बनाया जाता है, और सिंथेटिक इंसुलिन को नाम दिया गया था, आपको पता ही होगा, ह्यूमिलिन, और इसे सबसे पहले अमेरिका की एक कंपनी ईली लिली ने बनाया था, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि हमारी बॉडी का सेल है कोई, और सेल के अंदर ये जीन है जो इंसुलिन को सिंथेसाइज कर रहा है ना, ये मान लिया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और डीएनए का एक सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन। ये मान लिया कि इंसुलिन को सिंथेसाइज करने वाला जीन है, इसको हमने कट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, ठीक है। तो ये जो जीन था हमारा जो इंसुलिन का संश्लेषण कर रहा था, यहां से हमने काट कर बाहर निकाल लिया। अब हमने एक बैक्टीरिया लिया, एस्चेरिशिया कोलाई, इस बैक्टीरिया में ये मेन डीएनए है इसका, और ये है क्या, प्लाज्मिड। हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को निकाला और इसको कट किया। डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है उस एंजाइम को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए को काटने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमने क्या किया कि प्लाज्मिड को यहां से कट कर लिया। अब हमने क्या किया, यहां से इंसुलिन वाला जीन इसके अंदर ऐड कर दिया। ग्लू का काम करता है कौन, लाइगेज। डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, और डीएनए को मतलब लाइगेट करने के लिए डीएनए लाइगेज का एंजाइम करते हैं। तो यहां पर डीएनए लाइगेज से हम क्या करेंगे, इसको इसमें चिपका देंगे। ये इंसुलिन वाला, इंसुलिन को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम है, ये हम इसके डीएनए में चिपका देंगे। अब ये जो डीएनए बनेगा जिसमें फॉरेन जीन है उसको हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। ये जो डीएनए है जिसमें अदर चीज का डीएनए यूज किया गया है उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम डाल देंगे ई कोलाई में। अब ई कोलाई में आपने देखा कि आ गया डीएनए को, सॉरी इंसुलिन को सिंथेसाइज करने वाला जीन। अब ये क्या करेगा, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, और सब मिलकर क्या करेंगे, इंसुलिन को सिंथेसाइज करेंगे। इंसुलिन का सिंथेसिस होगा, उस इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और उसको बोतल में भरकर मार्केट में सप्लाई कर देंगे, और उसका इंजेक्शन आप लेते रहेंगे। सो, अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तर होगा
प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये समझ में आ गया जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? समझ में आना चाहिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसी प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मिड को निकालेंगे, इसको काट के उसमें सटा देंगे किसका जीन, इंसुलिन वाला जीन इसमें सटा करके और दूसरे ई कोलाई में इंसर्ट कर देंगे। ई कोलाई प्रोडक्शन करेगा, अपनी संख्या भी बढ़ाता रहेगा। क्लियर है सबको? हाँ, साइंस की मैराथन, फुल मैराथन तो नहीं है, बहुत बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। एक बायो का फुल मैराथन मैंने लिया था, वो देखिएगा, 7 नवंबर को लिया था मैंने, 2020 को, 7 नवंबर 2020 को मैंने साइंस का बायो का सिर्फ मैराथन लिया था, वो देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये सारी बातें याद रख लेना। अब बैक्टीरिया के शेप के बारे में आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे बैक्टीरिया को कई भागों में बांटा गया है। एक स्फेरिकल बैक्टीरिया है जिसको कॉकस कहते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? कॉकस, इस तरह का बैक्टीरिया। और बहुत सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया मिलकर अगर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस। कॉकस का मतलब होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया, और बहुत सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया चेन की शक्ल में है, देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकॉकस, है ना। चलिए, तो जो स्फेरिकल बैक्टीरिया है वो कहलाते हैं कॉकस, प्लूरल में कोकाई कहलाएंगे। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इस तरह का रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहते हैं, बैसिलस कहेंगे, है ना। और जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, इस तरह से कॉमा के आकार का, हम लोग कॉमा देते हैं ना लिखने के दौरान, तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को विवरियम बोलते हैं। जैसे विवरियो कॉलरी, कॉलरा कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या नाम है उसका? विवरियो कॉलरी। विवरियो कहने का मतलब है कि कॉमा शेप्ड है। और जो स्पायरल बैक्टीरिया है इस तरह का, उसको बोलते हैं स्पायरिलम। तो स्पायरल बैक्टीरिया को स्पायरिलम, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को विवरियो, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस, और स्फेरिकल बैक्टीरिया को कॉकस। क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल, हम लोग लाएंगे जरूर। अभी एग्जाम नजदीक आने दीजिए सीडीएस का, तो लास्ट टाइम में रिवीजन करवाऊंगा, 10 घंटे के या 12 घंटे का भी मैराथन हो सकता है। अब आ जाइए टाइप्स, बैक्टीरिया का टाइप किस आधार पे? ओरिजिन के आधार पे, है ना। ये था शेप के आधार पे बैक्टीरिया का प्रकार। अब ओरिजिन के आधार पे देख लो, बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, हिंदी में भी यही लिखेंगे, आर्की बैक्टीरिया। जो एंशियंट बैक्टीरिया है, जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, बिल्कुल जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं बैक्टीरिया, उस प्रिमिटिव बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। थोड़ा सा डेवलप हुआ है तब बना है यू बैक्टीरिया, यही होता है ट्रू बैक्टीरिया, ये होता है ट्रू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया उसके ओरिजिन के आधार पे, शेप के आधार पे तो देख ही लिया आपने कि स्फेरिकल होता है, रॉड शेप्ड होता है, कॉमा होता है, स्पायरल होता है। लेकिन ओरिजिन के आधार पे दो प्रकार के, एक आर्की बैक्टीरिया जो एंशियंट बैक्टीरिया है, जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, जो सबसे पहले उत्पन्न हुए जब ब्रह्मांड की सृष्टि, मतलब सृजन हुआ, मतलब जब कायनात बनी तो शुरुआत में जो बैक्टीरिया डेवलप हुए वो आर्की बैक्टीरिया कहलाएंगे। कुछ बैक्टीरिया में फिर मॉडिफिकेशंस हुए, डेवलप हुए, इसको यू बैक्टीरिया, तो ये ट्रू बैक्टीरिया कहलाता है। तो सबसे पहले आर्की, उसके बाद यू। यू मतलब क्या होता है? डेवलप्ड, है ना, ट्रू। तो आर्की बैक्टीरिया को हम एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और ये किसी भी प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की इसमें क्षमता होती है। तो ये एंशियंट बैक्टीरिया होते हैं और इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता होती है। जैसे कि ये सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं, लवण युक्त वातावरण में रह सकते हैं। वो बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उसे हैलोफाइल्स कहते हैं, हैलोफाइल्स कहते हैं। कुछ जो हैं वो गर्म झरनों में रहते हैं, गर्म झरनों में
बैक्टीरिया की एक्चुअली जो यू बैक्टीरिया है वो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो गर्म झरनों में रहते हैं वो आर्की बैक्टीरिया ही रह सकता है, ट्रू बैक्टीरिया नहीं रह सकता, उसमें उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, वो बैक्टीरिया जो गर्म झरनों में रहते हैं उसे कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। कुछ बैक्टीरिया जो है वो दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, उसे हम कहते हैं मिथेनोजेंस। क्या कहते हैं? मिथेनोजेंस, और मीथेन का प्रोडक्शन करते रहते हैं। यही मिथेनोजेंस जो जुगाली करने वाले जंतु हैं उसके आंत में रहते हैं। जुगाली करने वाले जंतु, जुगाली करने वाले जंतुओं की आंत में, गट में रहते हैं। रूमिनेंट्स, जैसे गाय भैंस बकरी जब खाना खाते हैं तो ये पूरी तरह से चबाते नहीं है, डायरेक्ट निगल लेते हैं। जब इनका पेट भर जाता है तो फिर वापस स्टमक से बक्कल कैविटी में उगलते हैं और फिर चबा चबा कर निगलते हैं, उसको बोलते हैं रूमिनेंट। तो रूमिनेंट जो होते हैं जैसे गाय बैल भैंस बकरी, उसमें उसके फूड में मेनली सेलुलोज होता है। ये जो मिथेनोजेंस होते हैं जो इनके अमाशय में पाए जाते हैं, आंतों में पाए जाते हैं, ये मिथेनोजेंस इस सेलुलोज को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मीथेन में। तो मार्शी एरियाज से आपने देखा होगा कि मार्शी एरियाज से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। जुगाली करने वाले जंतुओं के वातावरण में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन। ये मीथेन कौन प्रोड्यूस करते हैं? यही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो प्रिमिटिव है, एंशियंट बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के लिए एडेप्टेड होते हैं, उनमें अनुकूलन होते हैं कि पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रह जाएं। जैसे सॉल्टी एरियाज में, सॉल्टी एरियाज में नॉर्मल बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया वो जीवित नहीं रहेंगे, एक्स ऑस्मोसिस होगा और वो मर जाएंगे, पानी बाहर निकल जाएगा उसकी बॉडी से और बाहर मर जाएंगे, है ना। जैसे आप किसी चीज़ में नमक डाल देते हैं तो वो बहुत दिन तक प्रिजर्व रह जाता है, अचार वगैरह, क्यों? क्योंकि उससे वाटर बाहर आ जाता है, बैक्टीरिया उसमें रहेगा तो बैक्टीरिया से वाटर बाहर आएगा, मर जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस होगी। मार्शी एरियाज में गर्म झरनों में रह सकते हैं। तो ये हो गया आपका आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये है ट्रू बैक्टीरिया, और ट्रू बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे, एक होगा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा होगा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे, एक ऑटोट्रॉफिक और एक क्या होगा? हेटरोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलेंगे। वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे स्वपोषी जीवाणु। तो जो ट्रू बैक्टीरिया है जिसे हम यू बैक्टीरिया कहते हैं वो दो प्रकार के होंगे, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उसे हम लोग साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया, या इसे हम क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। तो देख लो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि नील हरित शैवाल शैवाल नहीं है बिल्कुल, कई बार मैंने पढ़ा रखा है। ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन उसको बहुत ही गलत नाम दे दिया गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी मिसनोमर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नॉस्टॉक हो गया, एना बेना हो गया। तो नॉस्टॉक और एना बेना जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये दोनों ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की प्रक्रिया करते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया है, है ना। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नॉस्टॉक हो गया, जैसे एना बेना हो गया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है वो एक अलग टॉपिक है, मैंने पढ़ा रखा है, देखिएगा जाके।
इनके पास एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उस सेल का नाम क्या है? तो उस सेल का नाम है हेटरोसिस्ट। हेटरोसिस्ट, तो हेटरोसिस्ट नाम की एक कोशिका होती है, एक स्पेशल सेल होता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है। ये एमसीक्यू आपको रखना है याद। तो साइनोबैक्टीरिया में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये देखो, ये है आपका एनाबेना, एनाबेना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जगह जगह पे, उन कोशिकाओं को हेटरोसिस्ट कहते हैं। देखो इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, हेटरोसिस्ट कहते हैं, और इसमें ही नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया संपन्न होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया संपन्न होती है, याद हो गया सबको? हेटरोसिस्ट याद हुआ। अब देखो, अगर आप एनाबेना की बात करते हैं तो एनाबेना का पूरा नाम होता है एनाबेना एजोली। क्या नाम होता है? एनाबेना एजोली, ये पूरा नाम है एनाबेना का। एनाबेना एजोली क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, एनाबेना एजोली पाया जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मजा आने वाला है। एनाबेना एजोली एक साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो पाया जाता है एक वाटर फर्न में। उस वाटर फर्न का नाम है एजोला पिनेटा। पढ़ाया है ना, फर्न पढ़ा चुका हूं मैं, अब तो शक नहीं होना चाहिए ना। एजोला पिनेटा नाम का एक वाटर फर्न है, उसके लीव्स में, उसके फ्रॉन्ड्स में ये एनाबेना एजोली नाम का साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये एनाबेना एजोली कह लो या एजोला पिनेटा कह लो, चूंकि ये एनाबेना एजोली एजोला पिनेटा के साथ ही रहता है, सो इन दोनों का, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया कर रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है कौन, एक्चुअली ये कर रहा है ये, लेकिन ये रह रहा है किसके अंदर? एजोला पिनेटा के अंदर। इसीलिए एजोला पिनेटा या एनाबेना को हम लोग क्या करते हैं, राइस फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, धान के खेतों में क्या करते हैं, इसे डालते हैं। ये ग्रीन ग्रीन कलर का देखिए, ये क्या है? ये वाटर फर्न है, एजोला पिनेटा। एजोला पिनेटा के अंदर कौन निवास कर रहा है? एनाबेना एजोली। इसको धान के खेतों में डालते हैं धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए, धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए। सो एजोला हैज बीन यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर, है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करेंगे उसको हम बायो फर्टिलाइजर या ग्रीन मैन्योर कहेंगे। सबसे पहले इसका इस्तेमाल चाइना में किया गया था और अब तो हर कंट्रीज में किया जाता है। तो ये क्लियर है सबको? नेहा जोशी मैम अब हम लोगों के साथ नहीं है, जैसे आपको मालूम होगा कि मैं भी पहले ग्रेड अप में पढ़ाता था, है ना, और अब यहां पे पढ़ा रहा हूं, तो वो भी कहीं और चली गई हैं, हमारे साथ नहीं है अभी। फंडी क्या है? फंडी क्या होता है? मेहर, नेक्स्ट है हमारा स्पायरुलिना। स्पायरुलिना भी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है। स्पायरुलिना भी क्या है? नील हरित शैवाल है, या बोल सकते हो कि साइनोबैक्टीरिया है। ध्यान से सुनना, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। जो स्पायरुलिना नाम का ब्लू ग्रीन एल्गी है, स्पायरुलिना, हिंदी में कोई नाम नहीं है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, प्रचुर मात्रा में इसमें भी प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान से सुनना। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी बोले तो मैं बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई भी पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो आदमी और जंतुओं को कराया जाता है ताकि वो मतलब उसकी बॉडी में प्रोटीन का कंटेंट बना रह सके। तो फूड सप्लीमेंट के तौर पर स्पायरुलिना का यूज़ करते हैं। अगर आप स्पायरुलिना की बात करते हैं तो मैं
इसमें 57 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। 100 ग्राम स्पैरुलिना लेंगे तो उसमें 57 ग्राम प्रोटीन होता है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन कंटेंट। तो स्पैरुलिना के आपने देखा होगा टैबलेट्स मिलते हैं, पाउडर्स मिलते हैं, कैप्सूल मिलते हैं, ये देखो है ना, टैबलेट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, प्रोटीन कॉन्टेंट को बॉडी बिल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था शायद कि एक एल्गी होती है, एक एल्गी होती है जिसका नाम होता है, बता दो आप लोग फटाफट, उसका भी प्रोटीन कंटेंट के लिए यूज करते हैं, बता दो, क्लोरेला। क्लोरेला एक एल्गी है, इसमें भी काफी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, और क्लोरेला के भी टैबलेट कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल हैं, पाउडर के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। लेकिन स्पायरुलिना, स्पायरुलिना क्या है, ये एल्गी नहीं है, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब साइनोबैक्टीरिया है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पायरुलिना को लोग भी एल्गी कह देते हैं, ये एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एल्गी क्लोरेला है ये, क्लोरेला कैसी एल्गी है, ग्रीन एल्गी है ये भी, इसका भी डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। अब क्लियर हुआ, सबको क्लियर होना चाहिए सारी बातें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है जीवन में। क्लियर हो गया, तो चलो। तो मैंने क्या आपसे कहा, मैंने कहा कि देखो बैक्टीरिया दो तरह का होता है, एक एंशियंट बैक्टीरिया है जिसको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, दूसरा ट्रू बैक्टीरिया है जिसको यू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया दो प्रकार का है, एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिसको हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे कि एना बेना हो गया, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, जैसे कि स्पायरुलिना हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रू बैक्टीरिया पे, सॉरी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे। तो मैंने बोला ट्रू बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक जिसको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, परपोषी जीवाणु, परपोषी जीवाणु। ये मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होता है इस नेचर में, सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो कौन सा है, तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सर्वाधिक रूप में, सबसे अधिक वातावरण में पाया जाने वाला सर्वाधिक कौन सा जीवाणु है, तो वो है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और ये अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पौधों में डिजीज और जंतुओं में डिजीज फैलाते हैं, मतलब पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं मतलब परजीवी होते हैं। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक जीवाणु डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब सड़ गल चीजों को सड़ा गला के मिट्टी में मिला देंगे। तो डिकम्पोजर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इकोसिस्टम की बात करते हैं और आप घटक की बात करते हैं, तो आप घटक में कौन कौन आते हैं, कुछ फंजाई और कुछ बैक्टीरिया। तो कुछ फंगस है और कुछ बैक्टीरिया है जो डिकम्पोजर का काम करते हैं, पेड़ों की मृत्यु हुई, प्लांट्स की डेथ हुई, एनिमल्स की डेथ हुई, उसको मिट्टी में मिला देगा फंगस और बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरिया को मैंने डिजीज में पढ़ा ही रखा है, बैक्टीरियल डिजीज मैंने ये डिस्कस कर रखा है, वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ यूजफुल बैक्टीरिया को बता देता हूँ, क्योंकि ये डिजीज वाले चैप्टर में हार्मफुल बैक्टीरिया मैंने बता रखा है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया कुछ जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया आपके पैरासाइटिक होते हैं, है ना, और कुछ बैक्टीरिया आपके सिम्बायोटिक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके सिम्बायोटिक भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं। तो कितना मोड पाया जाता है बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइटिक होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक होते हैं, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम भी एक जीवाणु है, और ये दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में सिम्बायोसिस के फॉर्म में रहता है। कैसे रहता है अभी बताता हूँ। तो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, जैसे इस्चिरिशिया कोलाई, ई कोलाई, जिसका इस्तेमाल हमने अभी इंसुलिन बनाने में किया था। तो ये जो इस्चिरिशिया कोलाई है, नाम से देखिए कोलाई मतलब ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के किस भाग में रहेगा, कोलन वाले भाग में रहेगा, इसीलिए इसका नाम है कोलाई। ये जो इस्चिरिशिया कोलाई है हमारी बड़ी आंत की कोलन वाले रीजन में रहता है, और ये विटामिन बी 12
विटामिन B12 और विटामिन के का संश्लेषण करता है, इसको याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदल देता है। एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम नामक जीवाणु है जो ब्यूटायरिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मिथेनोबैक्टीरियम है जो बायोगैस के प्रोडक्शन में मदद करता है। स्ट्रेप्टोकॉकस देख लो, यानी ये बैक्टीरिया कैसा होगा, स्फेरिकल होगा और चेन शेप्ड में होगा, इसलिए नाम है इसका स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टोकोकस नामक का जो जीवाणु है वो एक मेडिसिन इससे प्राप्त किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक औषधि। ये क्या है, मेडिसिन है, ड्रग है। इसका इस्तेमाल रक्त के थक्का को हटाने में किया जाता है। तो ये सब यूजफुल बैक्टीरिया है। बहुत सारे बैक्टीरिया माना कि हमें बीमार कर देते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी हैं। इन यूजफुल बैक्टीरिया को मैंने यहाँ पे दिखाया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया करता है, लेकिन कैसा, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये। उसी प्रकार एक जीवाणु है एजोबैक्टर और दूसरा जीवाणु है एजोस्पाइरिलम। ये दोनों भी जीवाणु है और ये दोनों भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब है कि ये सॉइल में रहेगा फ्रीली, मिट्टी में रहेगा। ये मिट्टी में है, कौन कौन, तो एजोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। ये मिट्टी में फ्री रहता है, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। बट राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सिम्बायोसिस क्या है, लाइकेन में मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, होता क्या है, जैसे देखिए जैसे होता क्या है, अगर मैं आपको बात करूं यहां पे, मुझे स्लाइड चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन जो एजोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो ये जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, कहाँ पे, लेग्यूमिनस प्लांट के। तो ये कोई लेग्यूमिनस प्लांट है, दलहनी पौधा है। उसके रूट्स को देखिएगा तो उसके रूट्स में इस तरह से गांठ जैसी संरचनाएं होंगी, और इन गांठ को हम लोग कहते हैं रूट नोड्यूल्स। जैसे आप अरहर का पौधा उखाड़ लीजिए, मसूर का पौधा उखाड़ लीजिए, चना का पौधा उखाड़ लीजिए, तो जो भी पल्स प्रोवाइडिंग प्लांट्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब दलहनी पौधा बोलते हैं। तो दलहनी पौधा जैसे मसूर हो गया, जैसे कि चना हो गया, उसकी जड़ों को आप उखाड़ेंगे तो उसमें इस तरह से नोड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसको हम कहते हैं रूट नोड्यूल। इनमें से किसी एक रूट नोड्यूल को मैं करने चला हूँ जूम। अगर मैं इसको जूम कर दूंगा तो इसको देखूंगा, जूम कर दिया, काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, तो इसको देखने पर आपको लगेगा इसके अंदर आपको मिलेगा राइजोबियम नाम का एक जीवाणु। और राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया अंजाम देता है। तो ये जो राइजोबियम है ये क्या करता है, दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तो नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और फर्दर ये अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में, अलग फिर जीवाणु होंगे नाइट्राइट में, और फिर इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो नाइट्रोजन का जो हवा में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है,
उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है राइजोबियम, और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज क्या है? एक एंजाइम है। नाइट्रोजिनेज क्या है? एक एंजाइम है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही डीनेचर हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो रूट नोड्यूल में ही पाया जाता है लेग हेमोग्लोबिन। ये लेग हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। अगर कोई ऑक्सीजन आ रहा है तो इसे नाइट्रोजिनेज तक पहुंचने नहीं देगा, ये ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा। तो ये जो लेग हेमोग्लोबिन है वो उसका काम क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं लेग हेमोग्लोबिन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन एस्केवेंजर का काम करता है, ऑक्सीजन को मतलब कंज्यूम कर लेता है, उसको नाइट्रोजिनेज एंजाइम तक पहुंचने नहीं देता। तो ये राइजोबियम जो है वो फ्री रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता, ये हमेशा रूट नोड्यूल में ही रहेगा। तो एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हों, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हों, दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों मर जाएंगे, ये कहलाता है सिम्बायोसिस। तो देखो बिना राइजोबियम के दलहनी पौधे जीवित नहीं रह सकते, नाइट्रोजन इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, और बिना रूट नोड्यूल का ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर नहीं सकता, क्योंकि रूट नोड्यूल में ही लेग हेमोग्लोबिन होता है जो इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बचाता है। तो दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। इसीलिए आपने क्रॉप रोटेशन के बारे में सुना होगा, क्रॉप रोटेशन सुना है ना, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन फसल चक्रण का नाम सुना होगा आपने। फसल चक्रण में क्या करते हैं, एक बार लेग्यूमिनस प्लांट, फिर एक बार क्रॉप, कोई भी अनाज उगा दीजिए, फिर लेग्यूमिनस प्लांट, फिर एक बार क्रॉप। लेग्यूमिनस प्लांट लगाने से क्या होगा कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, बरकरार रहेगी। तो एक बार दलहनी पौधा फिर अनाज, दलहनी पौधा फिर अनाज, दलहनी पौधा फिर अनाज, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्लियर है? थैंक यू प्रजापत साहब, कैसे हैं? तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हम लोगों ने बात की है किंगडम मोनेरा की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि 2 बजे से शुरू हुआ है, 2 बजे से शुरू हुआ है एनसीईआरटी सीरीज जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एक लाइन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनको पढ़ना है वो पहला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज 2री क्लास उसकी होगी। तो क्लास सबको समझ में आया, एक एक चीज क्लियर हो गई? क्या सबको क्लियर हुआ कि मोनेरा में कैसे जीवों को रखा गया, साइनो बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? क्लियर है सबको? किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बिना शर्माए हुए, बिना घबराए हुए अपना अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं मुझसे। तो मिलते हैं फिर 2 बजे एनसीईआरटी में। नो डाउट, राजश्री मुनि कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है सर। वेलकम एके वर्मा साहब, जय हिंद। तो चलिए मिलते हैं 2 बजे, इजाजत दीजिए, तब तक के लिए मुझे हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।